वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं गुजरात की एक फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करूंगी, लाइव ढोकला। इसको हम गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने हाफ कप सूजी ली है, हाफ कप मक्के का आटा, हाफ कप दही, हाफ कप ढोकला बनाने का आटा लिया है। ढोकले का आटा बनाने के लिए मैंने 3 कप चावल लिए हैं, हाफ कप तुअर दाल, हाफ कप चना दाल। इन तीनों को पीस के मैंने दरदरा आटा तैयार किया है। हम इसी मेज़रमेंट से ढोकले का आटा तैयार करेंगे। इसको हम 1 महीने तक बाहर ही स्टोर कर सकते हैं और 5 से 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब एक बाउल में ढोकले का आटा, सूजी, मक्के का आटा मिक्स कर लेंगे। हाफ कप दही उसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें अराउंड 1 कप पानी ऐड करके इसका बैटर बना लिया है। अब हम इस बैटर को 6-7 घंटे फर्मेंटेशन के लिए साइड में रख देंगे। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है तो इसको 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने देंगे। फर्मेंटेशन होने के बाद अब ये बैटर तैयार है। मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके थोड़ा पतला बैटर बना लिया है। अब हम उसमें नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली है, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 प्लेट में ऑयल लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा बैटर इस प्लेट में डाल देंगे। हम पतले ढोकले ही बनाएंगे। मैंने स्टीमर ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर हम लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे। स्टीमर में पानी गरम हो गया है। इस प्लेट को हम रख देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखनी है और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। स्टीम होने के बाद अब ये ढोकला तैयार है। इसको हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस ढोकले के ऊपर राई, हरी मिर्च और करी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं। इसको हम कट करके गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो ये सॉफ्ट लाइव ढोकला तैयार है। इसको मैंने अचार मसाला और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इसको आप लहसुन की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।